विधानसभा चुनावों की मतगणना 8 दिसंबर को होने जा रही है। ऐसे में मतगणना के शुरू से लेकर अंत तक किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटित हो जाए, जिला प्रशासन ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। इस संबंध में आज जिला चुनाव आयुक्त डीसी राणा ने एक पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संपूर्ण तैयारियां कर ली हैं और इसके लिए पुलिस के 150 जवान बैलेट बॉक्स से लेकर मतगणना तक इसकी पल पल सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इस मौके पर जिला चुनाव आयुक्त डीसी राणा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि विधानसभा चुनावों की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू कर दी जाएगी और जिले की 5 विधानसभा सीटों की मतगणना चंबा के मिलेनियम पॉलिटेक कॉलेज में की जाएगी और ऐसे में 750 एम्प्लॉयज इस मतगणना को करेंगे। उन्होंने बताया कि इस मतगणना के दौरान चंबा और बरमोर विधानसभा में कुल 14 काउंटिंग टेबल को लगाया गया है और ठीक आधे घंटे के उपरांत सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद काउंटिंग की जानकारी देना शुरू कर दी जाएगी। वो वगैरह करना होता है, बीच में हमें बाहर आना होता है तो हमारी गाड़ी से नीचे जहां आपके ऊपर से फिर पैदल 2-2, 3-3 बैग लेके मुश्किल होता है सर नीचे। जैसा आप उनकी काउंटिंग जो है वो 8 तारीख को होगी और ये काउंटिंग जो है सुबह 8 बजे शुरू होगी। सारी जितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी काउंटिंग जो है हमारे मिलेनियम पॉलिटेक्निक कॉलेज सरोल में ही हो रही है और 5 विधानसभाओं के वहीं पे हमारे स्ट्रॉन्ग रूम भी हैं जहाँ पे EVM स्टोर हैं और उसी के साथ ही हमारे काउंटिंग हॉल्स हैं जहाँ पे काउंटिंग होगी। अब ये हमारे टोटल लगभग 750 एम्प्लॉयज़ हुए हैं, 150 के करीब हर विधानसभा में और इसमें मतगणना की ड्यूटी करेंगे और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनकी जो है ड्यूटीज़ लगी हैं। फर्स्ट लेवल की जो रेंडमाइजेशन होती है वो हमने 1 दिसंबर को कर ली थी। सेकेंड रेंडमाइजेशन जो है वो 6 दिसंबर को होगी और जो फाइनल रेंडमाइजेशन हुआ 8 तारीख को काउंटिंग से पहले होगी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन ये होती हैं कि जो एम्प्लॉय काउंटिंग में लगेगा वो अपने विधानसभा क्षेत्र में और उसमें जहाँ पे उसकी ड्यूटी है वहाँ वो ड्यूटी नहीं करेगा, उससे दूसरी विधानसभा में करेगा। हमारा जो टेबल्स हैं काउंटिंग टेबल्स जो हैं चंबा और भरमौर में 14 टेबल्स होंगे, 14+1 एक आर ओ का टेबल होता है, 14 दूसरे टेबल्स होंगे और उसके साथ साथ एक टेबल होगा जो सर्विस इलेक्टर्स हैं जो हमारे सर्विस मैन हैं पैरामिलिट्री फोर्स के आर्मी के लोग हैं उनके जो पोलिंग बैलेट्स आएंगे उनको स्कैनिंग करने के लिए अलग सा टेबल होगा और एक टेबल होगा जिसमें हमारे एब्सेंटी वोटर्स जो 80+ थे जिनको घरों में जिनकी वोटिंग हुई, इसेंशियल सर्विसेज के लोग थे और जो पोलिंग स्टाफ थे उनके जो पोस्टल बैलेट हैं उनको काउंट करने के लिए एक अलग टेबल होगा। तो 15+1+2 या 12+1+2 इस तरह से टेबल की व्यवस्था होगी और उसी के हिसाब से काउंटिंग एजेंट्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ लगा सकती हैं। कैंडिडेट्स को जो है सूचना कंसर्न दारों ने दे दी है और मतगणना से टाइमली उनको पहले पहुंचना है मतगणना सेंटर में 8 बजे। सबसे पहले जो हमारे पोस्टल बैलेट हैं उनकी काउंटिंग शुरू होगी और उसके आधे घंटे के बाद हाफ एन आवर के बाद जो EVMs हैं उनके राउंड, तो 8:30 बजे जो है EVM का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा और उसके बाद काउंटिंग जो है कंटिन्यूसली काउंट चलती रहेगी। एंड में जब EVM के सारे राउंड काउंट हो जाते हैं तो उसके बाद 5 EVMs जो हैं 5 मशीनें जिसमें VVPATs शामिल हैं उन VVPATs को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है और उनके जो स्लिप्स हैं उनको भी काउंट, जब वो सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही जो है वो रिजल्ट जो है अनाउंस होता है। ट्रैफिक को लेके और बाकी जो रेगुलेशन है वो एसपी साहब आपको ब्रीफ कर रहे हैं। हिमाचल में चुनावों की बेहतरीन कवरेज के बाद अब पंजाब और जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं हम। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे हम। आपकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाएंगे हम। किसी भी समस्या या परेशानी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम हैं AMI न्यूज़, आपकी आवाज, आपकी आवाज़।